हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम GTA 5 को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें हम मेन्यू मोड को ऐड कर सकते हैं और उससे गेम को मॉड कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस की तो आपको आपकी गेम क्रैश हो जाएगी और आपको फिर से 90-100 GB की गेम फिर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसलिए पूरे वीडियो को देखिए, हर स्टेप को बारीकी से देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। GTA 5 को मॉड करने के लिए आपको 3 फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी डाउनलोड लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप उनके GTA 5 मॉड्स वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो तीनों फाइल्स हैं जो कि हम डाउनलोड करने वाले हैं, मेन्यू PC, सिंगल प्लेयर ट्रेनर मोड, उसके बाद स्क्रिप्ट हुक वी और स्क्रिप्ट हुक वी .NET। ये तीनों फाइल्स आपको डाउनलोड कर लेनी है। अभी आप ये तीनों फाइल्स डाउनलोड कर लीजिए। तीनों फाइल्स डाउनलोड होने के बाद उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको रॉकस्टार गेम की डायरेक्टरी में जाना है, जहाँ पर आपकी गेम इंस्टॉल है। तो आप सीधा गेम के आइकॉन पर राइट क्लिक करके ओपन इन फोल्डर भी कर सकते हैं, या फिर आप विंडोज सी फोल्डर में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाके एपिक गेम्स आपको ओपन करना है। उसके बाद GTA 5, आपका ये GTA 5 का ट्रैजेक्टरी फोल्डर ओपन हो जाएगा। तब हमें दोनों फोल्डर को साइड बाय साइड ओपन कर लेना है, और जो हमने तीनों फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया था उन फाइल्स को हमें इस फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन हमें फोल्डर को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है उनको कॉपी पेस्ट करना है। तो हमें मेन्यू फोल्डर में से मेन्यू स्टफ फोल्डर और मेन्यू .ASI फाइल को GTA के ट्रैजेक्टरी फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना है, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए मैं नहीं करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद जो स्क्रिप्ट हुक वी फोल्डर है, उसमें से आपको नेटिव ट्रेनर .ASI फाइल को GTA के फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसके बाद हमें स्क्रिप्ट हुक वी .NET फोल्डर में से .DLL के दो फाइल्स और .ASI की एक फाइल, इन तीनों फाइल्स को GTA के फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। अब ये सब करने के बाद दोस्तों, आपकी GTA 5 मॉड हो चुकी है। अब आप उसमें व्हीकल्स और बाइक्स ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इन गेम व्हीकल्स को कैसे ऐड करते हैं वो दिखा देता हूँ। तो अब गेम ओपन कर लीजिए। गेम ओपन करने के बाद आपको सिंपली गेम में F8 प्रेस करना है। अगर आप PC पे खेल रहे हो तो F8 प्रेस कीजिए, और अगर लैपटॉप पे खेल रहे हो तो फंक्शन और F8 को प्रेस कीजिए। F8 प्रेस करने के बाद आपको एक मेन्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सारे मोड्स यहाँ पर ही है, तो इसमें आपको, चलिए मैं आपको एक व्हीकल ऐड करके दिखा दूँ। आप व्हीकल ऑप्शन में व्हीकल स्पॉनर में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की व्हीकल दिखेंगी, जैसे सुपर, स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स क्लासिक, ऑफ रोड, SUV, ट्रेन्स, बस, सारे के सारे व्हीकल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसमें, और अगर आपने कोई एक्सटर्नल व्हीकल ऐड की हुई है, आपको यहाँ पर इनपुट मॉडल में उसको ऐड करना है। तो मैं आपको जल्दी से एक व्हीकल ऐड करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हर कैटेगरी में बहुत ही डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से आपको एक व्हीकल ऐड करके दिखा देता हूँ। आपको जो चाहिए उस पर आपको एंटर कर देना है। तो जैसे देख सकते हैं कि आपके व्हीकल आ चुकी है। तो अब तो कुछ इसी तरह से आप कुछ ही मिनटों में GTA 5 को मॉड कर सकते हैं और उसे खेल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहे। और बहुत ही जल्द हम एक्सटर्नल व्हीकल्स को कैसे ऐड करें वो उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।